हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर ए के मौर्या। आज सभी को इंटरनेशनल योगा डे की बधाई। योग कैसे आपके लिए लाभदायक है, स्वास्थ्य में कैसे सहायता करता है, आज हम यही जानने का प्रयास करेंगे। मन की शक्ति और शांति के लिए और स्वस्थ रहने के लिए योग कितना ज़रूरी है हमारे जीवन में। ये सदियों पुरानी प्राचीन विधा है जिसमें आत्मिक शक्ति और शारीरिक शक्ति से शरीर को स्वस्थ रखा जाता है। प्राणायाम और योग कई विधियों से किया जाता है और हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सभी तरह के व्यक्ति इसको करते हैं। डेली मॉर्निंग में इसको रोज़ाना करना चाहिए, इससे बहुत स्वास्थ्य लाभ होता है। हमारी कई शारीरिक समस्याओं, कई तरह के पीठ दर्द, कमर दर्द और जोड़ों के दर्द में इससे राहत मिलती है। इसमें बॉडी के हर पार्ट के लिए एक अलग तरह की योग क्रिया है जिसको करने से अंगों में स्ट्रेचिंग होती है, आराम मिलता है और शरीर स्वस्थ रहता है। योग से हमारा शरीर लचीला होता है, दिमाग और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं, पाचन बेहतर होता है, अस्थमा, मधुमेह और दिल से संबंधित रोगों में आराम मिलता है, त्वचा से संबंधित रोगों में आराम मिलता है। योग में कई तरह के योग आसन होते हैं जो आरामदायक भी होते हैं, कुछ थोड़े कठिन होते हैं और कुछ बैठ के होते हैं, कुछ खड़े होकर होते हैं। आपको जो भी आसन आरामदायक लगे या जिस तरह की समस्या है उसके लिए एक अलग आसन है। धनुरासन है, बालासन है, हलासन है, सर्वासन है, आप उसको कर सकते हैं। कई आसन हैं जैसे मन की शांति के लिए आप प्राणायाम कर सकते हैं जिसमें आप बैठ के मांसपेशियों का अच्छा व्यायाम कर सकते हैं। आप मन को शांत रख के एकाग्र होकर ध्यान लगाकर अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। सुबह उठकर डेली योगा करने से आपके दिमाग में जो तनाव रहता है, जीवन में जो तनाव रहता है उससे काफ़ी हद तक राहत मिलती है। जो स्ट्रेस और सिरदर्द होता है वो भी काफ़ी हद तक कम होता है, इससे माइग्रेन प्रॉब्लम में काफ़ी सहायता मिलती है। साथ ही इससे शरीर में थकान में आराम मिलता है, मांसपेशियों में जैसे खिंचाव, मरोड़ या नसों में खिंचाव आ जाता है जिससे थकान महसूस होती है और स्ट्रेस होता है। नियमित रूप से योग करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और काफ़ी हद तक कार्य क्षमता भी बढ़ती है और सहन शक्ति भी। डेली योगा करके आप अपने शरीर को रोग मुक्त कर सकते हैं। योगाभ्यास से शरीर को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। कई रोग जैसे हार्ट डिजीज़ है, मधुमेह है, अस्थमा है, इसमें लाभ होता है। ये इंसुलिन के स्रावण को कंट्रोल करता है और इसके लिए आपको ताड़ासन है, पद्मासन है, मुंडकोटासन है, कई आसन कर सकते हैं। आज की दुनिया में 80% लोग वजन से, वेट बढ़ने से प्रॉब्लम में रहते हैं और बहुत सारी बीमारियां उसी वजह से होती हैं। आप इसके ज़रिए योगा के वेट कंट्रोल भी कर सकते हैं अपना। सूर्य नमस्कार 12 योग क्रियाओं का एक सेट है। इसको करने से ब्रीथिंग एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी होती है, स्वास्थ्य संबंधी हार्ट संबंधी रोगों में लाभदायक है। नियमित योग करने से PCOS में भी लाभ मिलता है, ऐसी कई महिलाओं ने बताया है कि हार्मोन कंडीशन जो होती है वो बदल जाती है और डेली योगा करने से सूर्य नमस्कार उन्हें काफ़ी लाभ मिला है। साथ ही तनाव और चिंता दूर होती है इससे, अनिद्रा की समस्या भी कई तरह के योग करने से दूर होती है। एकाग्रता में क्षमता आती है और शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, पाचन क्रिया भी सही रहती है। आजकल पढ़ने वाले बच्चों की सबसे बड़ी समस्या है फोकस करना और एकाग्रता और याद रखने की क्षमता में कमी आना। ऐसे कई योगासन हैं जिनको करके आपको इसमें बढ़ोतरी मिल सकती है या इसमें लाभ मिल सकता है। गरुणासन है, ये करके आपको बच्चों को ध्यान रखने में, एकाग्रता में जो कमी है उसमें काफ़ी सुधार होता है। अगर आप किसी चीज़ पर बच्चा फोकस नहीं कर पाता या आप अपनी मानसिक स्थिति ऐसी रखना चाहते हैं जो एकाग्र हो, तो इसमें करें, इससे बहुत लाभ होता है। साथ ही कोबरा पोज है, ये बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए, भुजंगासन कहते हैं इसको, और बैली फैट को कम करने में काफ़ी हद तक मदद करता है और उधर संबंधित सारी समस्याओं को इसमें राहत मिलती है। इसमें बैकबोन आपकी मजबूत होती है। साथ ही बालासन है, ये भी आपको बैठ के पोज करना होता है घुटनों के बल। इसमें आप अपने पेड़ पैरों को घुटने के बल मोड़कर आप दोनों हाथों को सीधा करके फर्श पर टच करते हैं जिससे एकाग्रता और फोकस बढ़ाने में मदद मिलती है। वृक्षासन से भी इसमें लाभ मिलता है, ये बहुत आसान पोज होता है। इसके अलावा अर्धमृत्यासन होता है, हाफ फिश पोज, जो आपकी बैकबोन को मजबूत करता है और बैली फैट को कम करता है। फिर बात करते हैं स्पाइन ट्विस्ट की, इससे आपके कूल्हों में मजबूती आती है, रीढ़ की बैकबोन में लचीलापन आता है और पाचन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं।
तो फ्रेंड्स आपने देखा कि योग विज्ञान में कितनी तरह के योग हैं जो आपकी हर तरह की शारीरिक समस्याओं को हल करने में काफ़ी मदद करते हैं। तो इसलिए डेली योग करें, इससे स्वास्थ्य को लाभ होता है और शरीर में मजबूती आती है, ऊर्जा का संचार होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू। नमस्कार।